नमस्कार, मैं कपीश बल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। जिलों की नगरी उदयपुर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने के तहत मुख्य भूमिका अदा करने वाला राजस्थान सफाई कर्मचारी संघ, अखिल भारतीय मजदूर संघ मेवाड़ मजदूर सफाई यूनियन और वाल्मीकि समाज मेवाड़ पंचायत से जुड़े समाजजन की भी सामने नजर आती है। शहर के आमजन को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण देने के तहत निगम के सफाई कर्मी के नित्य अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए देश विदेश से आए पर्यटकों के समक्ष बेहतर छवि शहर की पेश हो, जिसके तहत शहर को साफ और स्वच्छ रखने का काम करते नजर आते रहते हैं। इसके दूसरी ओर वाल्मीकि समाज के सभी सफाई कर्मियों ने आज अपने जायज मांगों को लेकर नगर निगम प्रांगण में प्रदर्शन करते हुए निगम उपायुक्त को ज्ञापन सौंप वाल्मीकि समाज के अतिरिक्त अन्य समाज के वह लोग जो निगम में सफाई कर्मियों के पद पर तैनात होकर निगम परिसर में ही अपने नौकरी का निर्वहन करते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हें शहर के किसी भी वार्ड में लगाकर सफाई की व्यवस्था को संभालने की जायज मांग की है। समाज के मोहन खोकर ने बताया कि निगम में सफाई कर्मियों के पद पर वाल्मीकि समाज के अतिरिक्त समाज के 96 लोग कार्यरत है, जो सफाई कर्मी के पद पर नियुक्ति लेने के बावजूद भी शहर की सफाई व्यवस्था को न संभालते हुए निगम में अन्य कार्यों को करने का कार्य करते हुए नजर आते हैं। वहीं ज्ञापन के मार्फत ऐसे कार्मिकों को शहर के वार्डों में दोपहर 2 बजे तक तैनात करके सफाई व्यवस्था संभलवाने का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर सफाई कर्मियों की जायज मांगों पर संज्ञान नहीं लिया गया तो ऐसी स्थिति में 2 बजे बाद शहर की सफाई व्यवस्था के संदर्भ में किसी प्रकार का कोई कार्य न करते हुए टूल डाउन हड़ताल की जाएगी। भाई साहब, किन बातों को लेकर आज प्रदर्शन किया गया है? और पूर्व में भी एक नेता जी आए थे जिन्होंने बहुत आश्वासन दिए थे, क्या उनपे क्यों काम हुआ क्या? ऐसा है कि ये संयुक्त हमारा कोऑर्डिनेशन बिठा करके पूरी उदयपुर का पंचायत वगैरह गुजरत वगैरह सारे हैं साथ में यूनियनों के अलावा, और हम सब मिल करके 24 घंटे का हमने अल्टीमेटम दिया, ठीक है ना, ये 12 बजे खत्म हो जाएगा। तो 12 बजे बाद में हमने ये बोला है कि हम स्ट्राइक करेंगे, तो स्ट्राइक का मतलब है कि हमारी जो मांगे हैं वो हम वार्ता के लिए बातचीत कर लें, और बातचीत में हमें शांतिपूर्वक जवाब मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम हड़ताल पे जाएंगे, 2 बजे काम बंद होगा, ये चाहते हैं। दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे 96 लोग जो काम कर रहे हैं 2018 में लगे अदर समाज के, वो लोग आज 2 बजे उनको एक अलग से वार्ड दिया जाए और उस वार्ड में वो सफाई करें, और अगर वो सफाई नहीं करते हैं तो 2 बजे बाद में हम हड़ताल पे जाएंगे, पूरा उदयपुर के लोग सारे कर्मचारी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर रहेगा, यही हमारी मांग। आपका नाम और डेजी? मोहनलाल खोकावत है मेरा नाम, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस, लेकिन हम सब हैं कोऑर्डिनेशन में संयुक्त यूनियनों के पदाधिकारी खड़े हैं। जिन लोगों को 2018 में नियुक्ति मिली, उनको आखिरकार किन हाथों के नीचे रखते हुए यहाँ पर नौकरी में लगा रखा, जबकि वो सफाई कर्मचारी के हिसाब से लगे थे? जी, वो ऐसा है कि कुछ लोग अंदर भी बैठे हुए हैं यहाँ, जबकि सफाई का काम रोडों पे होना चाहिए, और उनको हमारी एक मांग है कि उनको एक वार्ड पूरा दे दिया जाए।